13.5 करोड़ स्पेंड टू ब्रॉड डेलाइट्स टू वोट बट टर्न आउट फेल्स टू इम्प्रेस। दोस्तों ये आर्टिकल छपा है 16 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 13.5 करोड़ सिर्फ दिल्ली वालों को घर से बाहर निकालने के लिए और वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 करोड़ खर्च किए। अब जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है, हम पढ़ें तो The election officer of Delhi has spent office of Delhi has spent more than 13.5 crore in the past few months to encourage voters to come out in large numbers, but the result is disappointing. A major chunk of this money, 11 crore, was spent in just about 40 days between April 1 and May 11. दोस्तों 13.5 करोड़ खर्च किए बीते कुछ महीनों में सिर्फ दिल्ली वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप वोट करें, जिसमें से ए मेजर चंक ऑफ दिस मनी 11 करोड़ वॉज स्पेंड जस्ट इन अबाउट 40 डेज, और उसमें से भी जो 13.5 करोड़ में से 11 करोड़ सिर्फ अप्रैल 1 से लेके 11 मई, यानी कि सिर्फ 40 दिनों में 11 करोड़ खर्च किए गए ताकि दिल्ली वाले बाहर आएँ और वोट करें। और शर्मनाक तो नहीं कहूँगा, बट वोटिंग कितनी हुई, सिर्फ 60%, जबकि पिछली बार 65% थी। तो इतना पैसा भी खर्च किया, वोटर टर्नआउट भी इतना अच्छा नहीं हुआ, और क्या इतने पैसे खर्च करने चाहिए थे, ये भी सोचने वाली बात है। अब देखें कैसे कैसे पैसे खर्च हुए 11 करोड़ 40 दिनों में। वी हैड इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी इन सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज। द मनी अनऑफिशियल सेड वॉज स्पेंट ऑन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। अब अखबारों में इंग्लिश, हिंदी और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उसमें पब्लिश करने के लिए पैसे खर्च हुए, आउटडोर पब्लिसिटी में खर्च हुए, होर्डिंग्स में खर्च हुए, बैनर्स में खर्च हुए, पैम्फलेट्स में खर्च हुए, रेडियो एफ एम पर जो जिंगल्स आती हैं उसमें खर्च हुए, मेट्रो ट्रेन्स के अंदर जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें खर्च हुए, क्लस्टर बसेज डी टी सी के अंदर खर्च हुए। द इलेक्शन ऑफिस हैड ऑल्सो हायर्ड ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसको हायर किया। अब फेसबुक ट्विटर पे भी कुछ किया गया। सीओ ऑफिशियल्स आल्सो गॉट वोटर अवेयरनेस मैसेज प्रिंटेड। अब बिजली और पानी के बिलों में भी छापे गए, और घर घर जाके भी बोला गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ द 7 पार्लियामेंट आल्सो ऑर्गेनाइज स्पेशल इवेंट्स इंक्लूडिंग कवाली। अब बताओ कवाली भी की गई निजामी ब्रदर्स की, म्यूजिकल नाइट भी की गई मोहित चौहान की, डांस वगैरह भी किया गया, बाइक रैलीज भी की गई, हेरिटेज वॉक वर्ल्ड सिटी चाइना चांदनी चौक पर भी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग्स हुई, ह्यूमन चेन बनाए गए, मैराथन रन किए गए, स्ट्रीट प्लेस यानी कि नुक्कड़ नाटक किए गए, मॉल्स में गए, रेजिडेंशियल एरिया में गए, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी ऋषभ पंत एंड कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मनिका बत्रा उनको भी इन्वॉल्व किया गया, फिर भी वोटिंग परसेंटेज 60%। इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है।